प्रथम तहलका न्यूज और रेवाड़ी से सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, रेवाड़ी से सबकी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में किसानों का आंदोलन जो है वो उग्र हो गया है। और आपको बता दें कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने भाजपा के पूर्व विधायक की पिटाई कर उनके कपड़े फाड़ दिए। आपको बता दें कि लाठी डंडों से कार को भी क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया गया। दौरान निजी सचिव भी जो है वो घायल हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के निमका थाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं प्रेम सिंह बाजोर। और इस दौरान प्रेम सिंह बाजोर ने कहा कि ऐसा कृतज्ञ करने वाले किसान नहीं हो सकते। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रेवाड़ी से आ रही है, जहां शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने भाजपा के पूर्व विधायक की पिटाई की और उनके कपड़े फाड़ दिए। आपको बता दें कि पूर्व विधायक प्रेम सिंह ने सरकार से कार्रवाई करने की अपील की है। और आपको बता दें कि जयपुर से दिल्ली जा रहे थे पूर्व विधायक और भाजपा नेता प्रेम सिंह बाजोर। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रेवाड़ी से आ रही है, जहां शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने भाजपा के पूर्व विधायक की पिटाई की और उनके कपड़े फाड़ दिए। वहीं इस दौरान निजी सचिव जो है वो भी घायल हो गए। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रेवाड़ी से आ रही है। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों को तोड़ दिया, पोल भी कई गाड़ियों के तोड़े, हमारी गाड़ी के चारों में से शीशे तोड़ दिए, लट बजा बजा करके लट दिए। मेरे पीए को भी चोट आई, मेरे साथ एक मेरा मित्र था उसको भी चोट आई भारी, और मेरे भी मेरे कपड़े तक हाथ फाड़ दिए। अब लाठियों की भी दो चार इधर उधर उसके हमारे, तो इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। और प्रशासन को इस पर अमल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के रास्ते चलते लोगों को कूट पीट करेंगे किसानों के नाम पर। किसान ऐसा कर सकते हैं क्या? लेकिन इस प्रकार के लोग जो किसान के नाम पर बदमाशी कर रहे हैं वहाँ, उनको चिन्हित करके अंदर डालना चाहिए।